चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दतिया के भांडे, जहां पर नरोत्तम मिश्रा संबोधित कर रहे हैं। तुम तो 15 महीने की सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल चलाई और हमको 15 साल का प्रमाण पत्र दिया, और अब तो कमलनाथ जी हमको 25 साल का परमिट देके गए। 25 साल इस कांग्रेस का नामो निशान आपको नहीं मिलने वाला है। मेरे भांडे वालों, ये सामने जो आप देखो वो लोग बैठे हैं, ये वो लोग बैठे हैं जो कभी न कभी आपके सुख में दुख में अड़ी में उसी वक्त में ये काम आ सकते हैं। कभी कल्पना करना, ये भरैया जी आएंगे आपके काम कर, ये चुनाव होते ही चले जाएंगे, जीत जाएंगे तो और हार जाएंगे तो। ये भांडे की जनता के अभी इमरती जी कह रही थी हमारी रानी कि हाथ नहीं पकड़ सकते भरैया जी का, आप इतना अहंकार है उन्हें आज भी। वो असल जदी सब ऊंची जाति को बोले या नीची को, ये उनका हो सकता है स्वभाव, लेकिन ये मंच पर बैठे लोग आपके बीच से बढ़े हुए लोग हैं और इसलिए इस चुनाव में विकास की श्रृंखला तो है ही। जो अभी संतराम जी आपको पढ़ के सुना रहे थे, रोकना पड़ा उन्हें, जो एक तरफ से धार दी, मेरे लिए खड़ा हुआ हूं पूरी, जो 5000 करोड़ मानी शिवराज सिंह जी ने दिए पूरी किताब, लेकिन उससे आगे के कार्यक्रम बिगड़ते हैं तो मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करने आया हूं कि एक बार हम सबका ध्यान उस विकास की तरफ चला जाए। देखो मित्रों, अभी दो धाराएं अलग अलग दिशा में चल रही थी, संतराम जी के और हमारे, डंडे अलग थे, झंडे अलग थे और एजेंडे अलग थे। आप सब चाहते हो ना कि दतिया जैसा विकास भांडेर का हो या नहीं, जोर से बोल के बताओ। तो फिर अब हमारे झंडे भी एक है, डंडे भी एक है, एजेंडे भी एक है, और इसलिए इस बार पिछले बार से ज्यादा वोटों से जिताना है मेरे मित्रों, इतने वोटों से जिताना हो कि मन भर जाए, मेरी पिछली कसर रह जाए। मैं एक एक गांव में आपके बीच में आऊंगा, आपके सामने माथा झुकाऊंगा सिर्फ संतराम सिरोनिया के लिए कि एक बार हम भांडेर को ऊंचाइयों पर ले जाए, विकास ले जाए, सिंधी राजी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में ले जाकर इस पूरे के पूरे भांडेर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे गृह मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की शान, आपने उद्बोधन किया। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी, सार गर्वित उद्बोधन। आज सही मायने में देखा जाए तो बड़ा सौभाग्य का दिन है। आपके बाई ओर और मंच के दाई ओर देखें तो जो पट्टिकाओं की श्रृंखला है, ये इस अंचल के लिए विकास की एक नई धारा है। आज आपके बीच में सरकार के मुखिया हैं, विकास के मसीहा हैं, विकास को धारा देने के लिए अग्रसर होने वाले जनप्रतिनिधि हैं। इनके बीच में मैं आज अब इस क्रम में उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे प्रदेश के एक संकल्प जनसेवक के रूप में जिन्होंने 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लेकिन प्रथम जनसेवक के रूप में
ऊर्जा बचाए रखना मतदान के दिन के लिए। मंच पर ऐसी महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय इमरती देवी जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, हमारी क्षेत्र की सांसद आदरणीय संध्या राय जी, महेंद्र यादव जी, माधव सिंह दांगी जी, घनश्याम फिरोडिया जी, आशाराम अहिरवार जी, प्रदीप अग्रवाल जी, राधेलाल बघेल जी, कमला पतारिया जी, राजेंद्र यादव जी, राकेश गुप्ता जी, चिमन यादव जी, हरिओम त्रिपाठी जी, जीतू दांगी जी, मनशाराम जी, गिन्नी राजा जी, राजेश धात्री जी, राम बहादुर गुर्जर जी, समस्त यहां उपस्थित हमारे कार्यकर्तागण, मेरे साथ खड़ी हुई इस भांडे क्षेत्र की मातृशक्ति की प्रतीक नाम तो रक्षा है और भांडे की रक्षा जीवन के अंत तक करेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस भांडे क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे रक्त परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद है मेरे साथ, मेरे भाई और बहनों, आज समय बहुत हो चुका है। हम शिवराज सिंह जी को सुनना चाहते हैं।
सुरक्षित करने के लिए और बहुत कुछ आपने कांग्रेस को दिया इस पिछले चुनाव में। आपने केवल अपना वोट नहीं दिया, वोट तो आपने दिया ही, पर उस वोट के साथ आपने अपना प्यार दिया, आपने अपना दिल दिया कांग्रेस को, आपने अपना विश्वास दिया कांग्रेस को, और इसलिए तो ही 34 में से 26 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग के वजह से बने हैं। सही है कि नहीं बोलो? गलत हो तो बताइएगा शिवराज सिंह जी, नरोत्तम जी, कभी भी 16 17 18 सीटों से कभी ज्यादा ना मिली? पहली बार स्वतंत्र भारत में 26 सीट आपने दी कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी को। एक आशा थी, एक अभिलाषा थी, मेरी भी यह सोच थी कि भांडेर के गांव गांव में, मैं जानता हूं उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, जितना पसीना आपको आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये एयर कंडीशन बंद कर दिया, उतना पसीना ही मुझे आए। जब तक इस माथे पे जो लाली आपने लगाई है उसके साथ वो नमकीन पसीना ना मिले और चेहरे के नीचे ना आए, तब तक जोश कैसे आए मेरे भाई और बहनों? जिसने अपने पैर वल्लभ भवन के एयर कंडीशन कमरे से बाहर 15 महीने में एक बार भी नहीं रखा। और वैसे भी शिवराज सिंह जी, उस वल्लभ भवन पे हक तो आपका था। तालियां क्यों बजा रहे हो? अभी तो मैंने बताया नहीं क्यों, हक तो इनका ही था, क्योंकि शिलान्यास किया इन्होंने और फीता काट दे पहुंच गए कोई और, और जो व्यक्ति फीता काटने पहुंचे कमलनाथ जी, जिन्होंने 15 माह भी शिवराज सिंह जी सुनाएंगे आपको पैर बाहर नहीं रखा वल्लभ भवन से, और जो जनता के साथ वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, मेरे दादी ने एक भ्रष्ट नाकाम डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाई थी, मेरे पिताजी ने अपने नाम और मान और सम्मान के लिए मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस स्थापित किया था, और जो सरकार जन विरोधी नीति लाएगी और मेरी जनता के साथ भ्रष्टाचार और पूरी तरह से वादा खिलाफी करेगी, उस सरकार के विरुद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया जमीन पे उतरेगा और उसे नीचे लाएगा। लाना चाहिए था या नहीं? सरकार ने भ्रष्टाचार का आलम रचा हो, अभी नरोत्तम जी सुना रहे थे आपको, जिस मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा कैबिनेट मंत्री भिंड के कि मेरे कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार अवैध रेत उत्खनन रोक नहीं पाई,
पद यात्रा पे निकले। शिवराज सिंह जी मुझे हेलीकॉप्टर में बता रहे थे, ये तो ऐसा है सिंधिया जी महाराज कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे निकले। शिवराज सिंह जी ने पिछले 25 तारीख को प्रशासन की मीटिंग बुलाई ग्वालियर में और सख्त निर्देश दिए हैं, जो वेद खनन कर रहा है, जिसको जो सरकार को रॉयल्टी के रूप में पैसा दे रहा है, उनका संरक्षण होना चाहिए। पर एक भी अगर माटी का तिनका कोई आवेद उत्खनन कर रहा हो तो सीधा जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। भ्रष्टाचार का आलम, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया, सारे के सारे मुद्दे नरोत्तम जी ने सुनाया आपको। और मैं कहना चाहता हूं कि जो इस रक्षा को हमारी अनुसूचित जाति की महिला को इमरती देवी जी को हमारी महिला बाल विकास मंत्री को हमारे 20 योद्धाओं को जो गद्दार कहे कान खोल के सुन लो, गद्दार वो है जिसने किसानों का ऋण माफ नहीं किया 15 महीने, वो मध्य प्रदेश के गद्दार है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। गद्दार वो है जिसने कहा 51,000 कन्यादान योजना में हम दिलवाएंगे, लेकिन आज तक नसीब नहीं हुआ, वो गद्दार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी है मध्य प्रदेश की जनता के प्रति। और गद्दार वो है जिन्होंने कहा था नौजवानों को 4,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा बेरोजगारी के रूप में, और जो आज तक 15 महीना का वसूल करना है आपको 60,000 रुपया प्रति युवा, जो ये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला वो गद्दार वो है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने, जो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की है। मेरे भाई और बहनों, सरकार को नीचे गिराना, अगर वादा खिलाफी सरकार को नीचे गिराना, मेरी जनता की सुरक्षा करना, मेरी जनता की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना, आपके भविष्य का नवनिर्माण करना अगर गद्दारी है तो मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपने 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया हूं। शिवराज सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या कमलनाथ एक दिन आपके बीच में आए 15 महीने में? अभी सुनाई नहीं दिया, बताओ मुझे आए क्या? आए क्या? मेरी अम्मा पीछे आए क्या? आए क्या? अरे पोस्टर में तो चमचमाते हुए चेहरा देखा, कभी जिंदगी में सामने देखा क्या? शिवराज सिंह जी का चेहरा देखा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा देखा है? कमलनाथ जी का चेहरा देखा है? देखना चाहते हो? अभी सुनाई नहीं दिया, देखना चाहते हो? अभी सुनाई नहीं दिया, देखना चाहते हो? अरे पीछे देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते हो तो रक्षा की रक्षा करना, और सिंधिया परिवार का मुखिया आपकी रक्षा जिंदगी भर करेगा। दिग्विजय सिंह जी, मैं एक मिनट और, शिवराज सिंह जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि दलित हितेशी हैं,
अनुसूचित जाति समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने दलित हितेशी हैं तो राज्यसभा के चुनाव में फूल सिंह बरैया का टिकट काट के आप क्यों गए राज्यसभा में? जवाब तो दलित समाज को, अपने आप को नंबर एक पे डाल दिया और फूल सिंह बरैया जी को दो नंबर पे डाल दिया। और यहां भांडेर में आके कहेंगे ये दलित देशी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वहारा वर्ग, हर एक समाज की रक्षा सिंधिया परिवार का मुखिया और शिवराज सिंह जी मिलकर करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। देश का चुनाव है मेरे भाई और बहनों, पूरी देश की जनता आपके प्रति देख रही है कि एक भ्रष्टाचारी सरकार, एक वादा खिलाती सरकार को सदैव के लिए हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना है कांग्रेस को, और शिवराज सिंह जी के हाथों को मजबूत करना है। 27 के 27 सीट भारत के जनता पार्टी का परचम लहराना होगा और मार्ग हमें यहां प्रशस्त करना होगा विकास के लिए, याद आते हैं, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमद महाराज साहब का, जिन हितग्राहियों को लाभान्वित करने के बहुत आदर के साथ सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे आए और हम सबको मार्गदर्शन करें, अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, जिनकी प्रतीक्षा हम सबको है, बेटी
एक साधारण परिवार में जन्मी इमरती देवी बहुत अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते बहन इमरती जी। हमारे वरिष्ठ नेता इस सरकार की जगह खोदने में बेईमानी के कारण जिन्होंने रात और दिन एक कर दिया और सहकारिता के नेता है पूरे मध्य प्रदेश के भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारी बहन लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव में माधव सिंह डांगी जी, हमारी बहन जिसने सरकार को गिराने के लिए अपने करियर को दांव पे लगा दिया रक्षा सिरोनिया जी, घनश्याम पुरोनिया जी हाँ घनश्याम जी बैठे थे ना मेरे साथ, हमारे आसाराम अहिरवार जी, प्रदीप अग्रवाल जी कहा घनश्याम चिंता मत करो यार मामा तो है और चिंता की बात नहीं, राधेलाल बघेल जी, कमलापत आई जी, राजेंद्र यादव जी, अब मैं माफी चाह रहा हूं भरा पूरा मंच है जगदेश जी, अच्छा बुधनिया जी का नाम लिया कि नहीं अध्यक्ष जी, सारा मंच लोगों बैठा हुआ है और भांडे किस महती सभा में उपस्थित मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करना हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आदरणीय ये बाद में आगे क्या पंडित देना है यहां पर ठीक है तब तक बैठो, अब बोलो भारत माता की ठीक है बेटा बात करेंगे। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय आदरणीय मदन सिंह कुशवाहा जी, मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, अभी आदरणीय सिंधिया जी करे 34 में से 26 सीट वो गद्दारी और धोखे की बात कर रहे, सबसे बड़ी गद्दारी की कांग्रेस में चेहरा दिखाया सिंधिया जी का, ये मुख्यमंत्री बनेंगे जनता को रिजाया इनके नाम पे, भैया शादी किसी की तय नहीं, दूल्हा किसी को घोषित किया, घोड़ी पे किसी और को बिठाया, शहनाई किसी के नाम की बजाई, मंगल गांव किसी और के नाम के गाय, लेकिन जब घोड़ी बोली मंडप में तो दूल्हे ही बदल लिया फेरे कोई और के साथ पार दिए। अरे ईमानदारी से बताओ उनको वोट देख के वोट दिया था क्या, जोर से बताओ उनको देख के वोट दिया था क्या, पहला धोखा तो यही था पीठ में छुरा धोखा, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में और बना दिया दादा को, दादा मतलब नरोत्तम दादा नहीं कमरदास दादा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, ये कहना बोला को दिखा के बूढ़े को गा दिया, अब बताओ उन्होंने तो कभी आके गांव गांव की गलियां देखी नहीं, खेत और खेत की पंडलियां देखी नहीं, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी, बीमारी नहीं देखी, अरे वो तो तेरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे, और कभी खेतों में नहीं आए। आज मैंने अखबार में पढ़ा कमलनाथ जी सोयाबीन के खेत में गए, धन्यरे कमलनाथ 15 दिन तुम्हें सोयाबीन का धान का और सरसों का खेत नहीं दिखा, जब कुर्सी नीचे से खिसक गई तो सोयाबीन का खेत याद आया, उस समय कहते तो फसल खराब है, बाढ़ आई है बरसात है सूखा पाला होने ला इल्ली, हमने कहा कमलनाथ थोड़ा बहुत तो जनता के किसानों के खेत में निकल जाओ, हम नहीं निकलते हम तो बैठ के इंतजार कर लेते, अरे इनका जाके तो देखो हालत क्या है, तो ये कहते थे हम तो यहां बैठ के ही सब कर लेते हैं,
हमने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। एक बार निकल बेटा भैया, निकले और आज कर रहे गद्दारी की गद्दारी की। जब आते आता की नरोत्तम जी ने कही है महाराज के किस है, मैं आपको दोहरा नहीं जाता, लेकिन आज हजारों जनता बैठी है। गद्दारी की कांग्रेस ने, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश के विकास के साथ दो पैसे का काम तुम भाग्य में नहीं करवा पाए। ये मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे, नरोत्तम जी भी कमाए, अरविंद जी भी कमाए, पूरे दुनिया जिले में 5,000 करोड़ के विकास के काम 13 साल में हमने करके दिखाए थे। मैं और भाइयों कोई इलाका नहीं छोड़ा भाग्य सही या विकास के काम नहीं हुए। और हमारी बहन रक्षा, जब ये रक्षा खड़े होकर भागने की बात करती थी तो कमलनाथ कहते थे चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, चलो चलो। सुन के कान मत गए तो रक्षा ने भी कह दिया चलो 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 चलो। तो सरकारी चली गई, विधायक के नेताए थे, विधायकों का अपमान, केवल विधायकों का अपमान नहीं, बताओ जनता का अपमान है कि नहीं? अरे जोर से बताओ कि जनता का अपमान है कि नहीं? भांडे की जनता का अपमान क्या हो? एक ही सुनी और कभी उद्योगपति आ जाए, बड़ा ठेकेदार आ जाए तो कमलनाथ जी कहते थे अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो और सहयोगियों को बुलाओ, तो बताओ कितने लाओगे। उनके लिए दिन दिन बचाए, ये एमआरपी बैंक पहुंची बल्लभ भवन, इनमें देखे दो आदमी बैठे बोल भैया जिनकी का पोस्ट है, ये मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर बैठे, कौन से पद पे हो? कोई से पद बने? तो इनके विधायक साथ इनका कि ये दोनों बोले सवेरे बोरा लेके आते हैं, दिन भर भरते हैं और रात को सी के ले जाते हैं, यही पद है इनका। कमलनाथ तो बोरा नाथ बन गए रे, जनता के लिए नहीं किया, पूरे प्रदेश को खा गए बैठे। अभी नदी नदी बचाओ की बात कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, ये पूरे प्रदेश को लूटने वाले कांग्रेस के लोग, मेरे बहनों भाई मेरी गरीब जनता बैठी, धनु कल्ला पन्नु मन्ना बुद्धा अर्जुन सीता कृष्णा, ये सारी बहनें बैठी है मेरी बहनों, ये कांग्रेस और कमलनाथ थी। मैंने संबंध इतना तुम्हारे लिए बनाई और ये तय किया, अगर तेरी बहना मेरा बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 16,000 रुपए तुम खाने दिया जाएगा। इन बहनों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ, तूने इनके मुंह से लड़वा के पैसा छीन लिए रे। बोलो मैंने छीने की नहीं, मैं बहनों से पूछ रहा हूं, बोलो लड़वा के पैसा छीने की नहीं? जोर से बोलो बताओ छीने की नहीं? इसने बहनों के लड़वा पैसे छीन लिए। आज मां आया है तो खाली हाथ नहीं आया, कई बहनों के लिए लड़ुआ के पैसा लेके आया है, तुम्हारी जिंदगी बदलने हम आए हैं। मेरे बेटा बेटियों मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों के लिए हमने तय किया था गरीब किसी भी जाति और समाज के हो, अगर उनके बच्चे अगर वो गरीब है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, बेटे नहीं चुका पाते, तो मैंने कहा था हाँ मैंने तीन बच्चों की फीस इनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। मेरे भांजे भांजियों ये फीस के पैसे भरवाना बंद कर दिए कमलनाथ ने, बताओ ये गद्दारी है कि नहीं? अब मैं सबसे पूछ रहा हूं जोर से बोल के बताओ, मेरा गला खराब है, बोलो गद्दारी है कि नहीं? ये गद्दारी है। मेरे बच्चों को अभी लैपटॉप देते थे, कभी नरेंद्र जी बांटते थे, कभी अरविंद जी बांटते थे, अच्छे नंबर लाओ लैपटॉप ले जाओ, बच्चों के लैपटॉप भी छीन लिए कमलनाथ तुमने, बोलो ये गद्दारी है कि नहीं? बेटियों की साइकिल छीन ली है गद्दारी है कि नहीं? अरे हम एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख देते थे, सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे और अंतिम संस्कार के लिए गरीब को 5,000 रुपया भेजते थे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 खाकर 5,000, बोलो गद्दारी है कि नहीं? पूरे मध्य प्रदेश में
मैंने योजना बनाई और योजना बनाई हम उनके नाम जोड़ने वाले कांग्रेस की सरकार आ गई, योजना खंडवर से बदल गई। आज सुनो भांडेर वालों, मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, 16 तारीख के दिन दिन को 12 बजे जितने गरीब मध्य प्रदेश के हैं जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता उन सबको 1 रुपया किलो गेहूं देना शुरू कर दिया जाएगा, कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। कलेक्टर यहां पे है क्या? कितने नाम जुड़ेगा? 12,000 परिवार, मतलब नाम कितने हो जाओगे? 12,000 परिवार जुड़े। और रक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता नेता पटेलिया जी, एक एक घर जाओ और बीन बीन के कोई गरीब रह जाओ तो नाम ढूंढ के ले आओ, हर गरीब को सस्ता राशन देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा मध्य प्रदेश की धरती पर। यह भारतीय जनता पार्टी का राज है। गरीब की थाली कभी रहना खाली, राम की चिड़ैया है राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया है भर भर पेट। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। हम कुर्सी पर बैठ के सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं बने, आपकी जिंदगी बदलने के लिए बने। और सुनो रे किसान भाइयों, इधर 0% का कर्ज देना बंद कर दिया, जहां मुख्यमंत्री बने हम आप बैठे तो पता चला 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का दी दिया कांग्रेस की सरकार ने। दिग्विजय कमलनाथ ने, मैंने 2200 करोड़ आपके खाते में डाल के 3100 करोड़ फसल बीमा योजना के दिए। और सुनो 18 तारीख को किसान भाइयों, पिछले साल जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपया जुर्माना डालेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। उनने गरीबों को धोखा दिया, उनने किसानों को धोखा दिया, उनने मेरी बहनों को धोखा दिया, उनने नौजवानों को धोखा दिया, उनने विकास को ठेंगा बता दिया। जब भी रक्षा संग्राम जाए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या भाव ठोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? पैसे नहीं है आने दूंगा, जहां लाना पड़े लाएंगे, लेकिन तुम्हारा घर चलाएंगे, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लेके आएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नौजवान के बेटियों, हमने फैसला किया है सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध समाप्त करके पुलिस में भी भर्ती करेंगे। ये बेरोजगारी भत्ते की बात करता था, हम रोजगार देने का देके दिखाएंगे। और इसलिए आज सब बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, नहीं बनता। मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं था, लेकिन जब आपने कहा कि पूरे प्रदेश को बचाना है उसे आप फिर से शिवराज, इसलिए मैं फिर से दोबारा आया। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अभी तो 17 नहीं रखा, अभी कहा 200 करोड़। अरे ये तो ट्रेलर है, 17 अभी फिल्म बाकी है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। 3 साल में 15 महीने की कसर पूरी करके भांडे का शानदार विकास करके दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये सरकार बनी रहे। बोलो बनी रहना चाहिए कि नहीं हमारी सरकार? पीछे तक बाएं बाएं से बोलो, पहले भी बोलो, बनी रहनी चाहिए कि नहीं? तो आइए आज मेरे साथ संकल्प लीजिए, जब रक्षा जीतेगी तो भाजपा की सरकार रहेगी, शिवराज मुख्यमंत्री रहेगा। आदरणीय सिंधिया जी की, हमारी नरोत्तम जी की, ये जोड़ी अरविंद जी रेवंती जी,
और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय सुमन संध्या राय जी, माननीय इमरती देवी और अन्य अतिथियों के घर कमलों से वो इत्तला प्राप्त करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले श्री राधे राधे स्व सहायता समूह को आजीविका मिशन के अंतर्गत 35 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। श्री राधे राधे स्व सहायता समूह को आजीविका मिशन के अंतर्गत 35 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में दूसरे क्रम पर श्री वैष्णो देवी स्व सहायता समूह आजीविका मिशन, इन्हें भी 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। कृपया तालियों से आप धन्यवाद प्रकट करें कि 20 लाख रुपए की सहायता श्री वैष्णो देवी स्व सहायता समूह आजीविका मिशन को और इसके साथ ही पूजा साहू भांडे आयल मिल के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख रुपए इन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। ये आगे बढ़ेंगे, तालियां बजाते रहिए भाई, इसमें उत्साह वर्धन भी होगा। और इसी प्रकार से श्री आकाश साहू भांडे तेल मिल के लिए इन्हें 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। श्री आकाश साहू भांडे तेल मिल के लिए 15 लाख रुपए। आप लोग भी जोरदार तालियों से पुनः इनका भी स्वागत करें, इन्हें भी धन्यवाद दें। और इसके साथ ही श्रीमती ममता धाकड़ के पति स्वर्गीय श्री जितेंद्र सिंह करण से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता श्रीमती ममता धाकड़ को लाखों की संख्या में हितग्राही है। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हमारे सभी सम्माननीय श्रद्धेय अतिथिगण की व्यस्तता को देखते हुए लाखों को इतना सीधा वितरित या नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रशासन द्वारा उनके स्थान पर स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इन पांचों को प्रतीकात्मक रूप से दिया गया। हम अपने बीच में पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय श्री सिंधिया जी, माननीय सुमन राय जी, माननीय श्रीमती इमरती देवी जी, माननीय श्री अरविंद भदौरिया जी और अन्य महानुभावों को जोरदार तालियों से धन्यवाद दें, उनके प्रति आभार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री